अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सुनाएं, आप सब ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह करे आप सब भी ठीक हो। इसके साथ ही हम लोगों ने खाना बनाने की तैयारी की। खाना मैं आज चल शाम के टाइम बना रही हूँ, क्योंकि दिन के टाइम ज़रा घर में गंद होता है और मैं फिर शाम के टाइम खाना बनाती हूँ। बस ये चने की दाल चिकन बना रही थी, और चने की दाल चिकन बनाते बनाते मेरा बाहर जाना हो गया, फिर मैं बाहर चली गई और दाल चिकन जो है ना भाभी ने कंप्लीट की, मेरे आने तक उन्होंने बना ली हुई थी। और इसके साथ ही फिर हम लोगों ने इसको जो है ना खाया, टेस्ट किया। और आप भी ऐसे बनाया करें, मैंने फुल एक बड़ा चिकन के चेस्ट पीस लेके बनाई है, ताकि वो जो उनसे चिकन होता ना उसमें नहीं खानी होती थी, फुल जो चिकन होता है। इस तरह यह है कि सारे खा लेते हैं, पर हमें जो उनसे ना वाइट मीट ही हम लोगों ने खाना होता है, इसलिए अब जो उनसे ना मैंने चिकन डाल लिया। और ये किस किस को पसंद है? मुझे तो पसंद है बहुत ज़्यादा, बाकी दालों की नस्बत ये दाल पसंद है, इसलिए मेरी एक हफ्ते में एक दिन ये लाजमी बनती है तो ये इजाज़त नहीं है, लेकिन एक दिन बना लेती हूँ कि वो सब्ज़ी और चिकन कैसे खाया जाए। और आपके घर में सब ठीक है? मुझे कमेंट्स में बताया करें, और जो जो मेरा व्लॉग देखते हैं मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ। और मेरी तरफ़ से अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे। हलीम की तरह ये दाल रेडी हो रही है, और इस तरह आप भी बनाया करें, बहुत इजी बनती है। और अगर मैंने वीडियो शूट करनी हो मेरा बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर मैंने ना करनी हो और मेरी हर मतलब जिस तरह की मर्ज़ी कुकिंग हो जाए 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। चलो झूले माइया, माना झूले माइया। बच्ची देखिए ना हमारी, माशाल्लाह से इतनी चीखें मारती है ना, हमारे कानों को दर्द का लगा देती है, बाजों को। इसकी चीखों की वजह से मुझे दवाई खानी पड़ जाती है, इतनी चीखें मारती है। इसको ज़रा से कोई हाथ लगा दे ये तंग पड़ जाती है। आप भी कहेंगे ये रोज़ समोसे खाते हैं, और वाकई ये आलू चिकन के समोसे होते हैं और ये बहुत मज़े के होते हैं। इसलिए सिस्टर्स घर आई हुई थी तो चलो ये मैंने कहा चलो समोसे लेके आती हैं। ये देखें जी, ये दुआ हो रही है, ये जो उनसे ना दुआ मांगी जा रही है और समोसे खाए जा रहे हैं। बस अभी हम लोग फारिग ही हुए थे और ये दूसरी सिस्टर आ गई, साथ दही आ गए, उनके लिए समोसे और चाट मंगवाई। और हम लोग तो खाना वगैरह खा के फुल हो गए हुए थे, उनके लिए समोसे चाट मंगवाए, और बस गंद ही गंद है घर में। और इसके अलावा जो उनसे ना बस दुआ करें जल्दी जल्दी हमारा घर साफ़ हो जाए, और फिर आपको मैं अपने घर का विज़िट करवाऊंगी। ये बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाए थे, बच्चे फ़्राइज़ खाते हैं शौक से, और बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाए थे। ये चिकन जी, अच्छा आज पता नहीं मेहमानों की बरसात हुई थी, तीसरी सिस्टर्स आ गई, उसके उनके हस्बैंड आए, फिर उनके लिए ये जल्दी से कीमा रेडी करने लग गई, कीमा बनाने। ये बहुत जल्दी बन जाता, और ये जैसे बनाया ना आप भी इस तरह बनाएं, जो उनसे ना बहुत मज़े का बनता है, ना इसमें प्याज ऐड होता है और ना ही इसमें किसी और किस्म के, जो सबसे लहसुन अदरक और जो ना टमाटो पेस्ट होता है, ये बहुत ही, क्योंकि उनको होता है कि बीच में कोई चीज़ ना हो, ना मसाले वाला बने, सिर्फ कीमा भून के दे दे, फिर उनको ये पसंद है। मैंने कहा चले जी इनको लिए यही बनाते हैं, और जल्दी 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 ये रेसिपी हो जाएगी। कीमा हम लोगों ने ऐड कर दिया, कीमा ऐड करेंगे फिर उसके बाद जो उनसे ना
इसको भून लेंगे और 2 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए जी हल्का फुल्का बस रेडी हो गया, बस इनको भुनेंगे और मसाले वगैरह डालेंगे। जैसे ही इसने अपना पानी वगैरह छोड़ दिया, फिर इसमें मसाले ऐड करने हैं। मसाले ऐड करने के बाद जो है ना ये रेडी हो जाएगा। आप भी इस तरह ट्राई करेंगे, बहुत मतलब कि बहुत जल्दी भी बनता है और टेस्टी भी बनता है। और मज़े की बात जैसे रेसिपी में आपको बता रही हूँ, मैं खाती नहीं हूँ जब ये बनाओ तो मैं ये खाती नहीं हूँ, वैसे आपको मैंने बता दिया टेस्टी बनता है। आप भी ट्राई करिएगा बुनावा कीमा बना बनाने के। आज संडे था और अब सारे जोनसन आए हुए थे, ना आए लेकिन आए तो रौनक लग जाती है। पहले सिस्टर्स और भांजी आई, फिर दूसरी सिस्टर्स आई, फिर तीसरी सिस्टर आई। माशा से अल्लाह पाक से तो ज़िंदगी दे, यूँ ही आते जाते रहे। और मुझे बड़ी खुशी होती है मेरे घर में मेहमान आए। बस गर्मी की वजह से थोड़ा ही हो जाता है, लेकिन किचन में मैं बड़ी खुशी से जाती होती हूँ। मेरे घर में मेहमान आए, मेरा दिल कहता है मैं तरह तरह की चीज़ें बनाऊँ। तो सब कीमे भी थोड़ा सा है थोड़ी सी इसमें, बस जैसे ही ये रेडी होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसमें है पानी रह गया, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। आजकल बस मेरी मसरूफियात इस तरह की, मैं घर से बाहर नहीं जा रही, और जो रोज़मर्रा की रूटीन है मैं आपको वही दिखा रही हूँ। और ये देखिए बस ये हरी मिर्च हम लोगों ने डाल दी। हरी मिर्च डालने के बाद तो ये बस रेडी हो गया, समझो रेडी हो गया, इसलिए हरी मिर्च डाली है। रोज़ दुआ करें बस मेरा जो सा नजरा मैं फारिग हो जाऊँ घर के कामों से, फिर मैं बाहर जाऊँ। लेकिन मेरा बाहर जाने नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने जो सा ना आपको मैंने सरप्राइज़ रखा हुआ, इसलिए मैं आपको नहीं बताती मैं क्यों बिज़ी हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही बताऊँगी क्यों बिज़ी हूँ। बस मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। मेरी दुआएँ सबके लिए हैं। ये देखिए जी कि माँ बस फाइनल लुक में आने वाला है। बस इसके बाद ये फाइनल लुक है, ये चेक करें आप। मज़ेदार की माँ रेडी हो गया है, मतलब कि जितना भी आप कोई भी मेहमान आ जाए हद से ज़्यादा 10 मिनट में ये रेडी होने वाली रेसिपी है। और टेस्टी भी है, ये नहीं कि टेस्ट नहीं होता, टेस्टी भी होती है। इस तरह बस रेडी करें, ये चाय बन रही है। आज मैंने आपको बताया मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, बस ये चाय बननी है साथ। चाय हमारे घर में बहुत टाइम बनती है, क्योंकि हम ज़रा नशे ही किस्म की है। चाय जितनी बार मिल जाए उतनी बार कहते हैं दे ये नहीं कहते नहीं पीनी, लेकिन मुझे मेरे से भैंस वाले दूध की चाय नहीं पीनी होती है। मैं जो ना पैकेट वाले दूध की चाय पीती हूँ। जिसके घर में भी मैं आऊँ उसको चाहिए मुझे पैकेट वाले चाय बुलाए मेरे से भैंस वाले दूध की चाय नहीं पीनी होती। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ कल के लिए। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय बाय टाटा।